आज हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल और घर के ही सामान से बनने वाला एकदम सुपर टेस्टी ब्रेड पिज़्ज़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं ज्योति, कुक विद ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा, जिसके लिए मैंने सूजी ली है 1 कटोरी और 1 कटोरी मैंने मलाई ली है। तो दोनों की क्वांटिटी हमें बिल्कुल सेम लेके चलनी है। अब हम इनको मिक्स करेंगे, उसके लिए हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे, उसके अंदर हम 1 कटोरी मलाई ऐड कर देंगे। आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी आप डबल कर देना, कम बनाना चाहते हैं तो आधा कर देना। और उसके अंदर हम सूजी भी ऐड कर देंगे। सूजी इसमें बारीक मोटी आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको बारीक ही लेनी है या मोटी लेनी, कोई भी सूजी हो। और मैं सूजी को थोड़ा सा पहले हल्का भून के रखती हूँ, तो आप अगर चाहें तो इसको थोड़ा पहले हल्का सा भून लें, उसके बाद इसको मिलाएं, क्योंकि मैं भून के रखती हूँ तो उससे क्या ना सूजी ख़राब नहीं होती है। और हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और हम क्या करेंगे कि इसको है ना 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे। तो ढकने से क्या होता है ना, सूजी हमारी अच्छे से मलाई में मिल के फूल जाएगी। तो 15 मिनट के लिए हम इसको इसी तरीके से रख देंगे। और इसको 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं मलाई और सूजी जो है आपस में अच्छे से मिल गई है। और ये काफ़ी जैसे दिखने में ना आपको थिक लग रहा है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें हम अभी जैसे सब्जियां मिलाएंगे तो इसकी थिकनेस जो है थोड़ा कम हो जाएगी। अभी जो गाढ़ा दिख रहा है उतना गाढ़ा ये नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें ना कुछ सब्जियां जैसे ऐड कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, सब्जियां आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें गाजर ऐड कर रही हूँ, आप आधा मीडियम गाजर इसके अंदर कट करके ऐड कर सकते हैं। 2 बारीक हरी मिर्च इसके अंदर ऐड करनी है, 1 मीडियम शिमला मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर हम बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, और उसके बाद में 1 मीडियम टमाटर बारीक कट करके ले लिया। बहुत ज़्यादा इसमें बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है, आप रफली ही चॉप कर सकते हैं। उसके बाद में 1 मीडियम प्याज लेना है, और उसके बाद में मैंने खीरा ऐड किया है। खीरा बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन खीरे से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो वो आप इसके अंदर ज़रूर ऐड करें। और आधा चम्मच ओरिगेनो ऐड करेंगे, और आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, और स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद में आधा चम्मच हम लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स, जो ओरिगेनो हमने डाला है ना, उससे बिल्कुल एकदम पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर आता है। शिमला मिर्च और ओरिगेनो जब एक साथ मिलते हैं तो वही पिज़्ज़ा वाली फीलिंग आती है। तो आप वैसे तो ऑप्शनल है, आप नहीं हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको ना बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है, और आप देख पा रहे हैं पहले से जैसे इसकी जो थिकनेस है वो ठीक हो गई है। अब हम ब्रेड लेंगे, और क्या करेंगे कि हमें जैसे ब्रेड लेना है उस पर हम अच्छे से इस तरीके से फैला देंगे। इसमें हमें कोई बटर या चटनी वगैरह स्टार्टिंग में लगाने की, ब्रेड पे लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम इसी तरीके से इस बैटर को अच्छे से ब्रेड पे फैलाएंगे, बढ़िया से दबा के हमें फैला देना है। और ये देखिए हमने लगा लिया। अब हम क्या करेंगे कि हमने ना तवा लिया है, मैंने नॉन स्टिक लिया है। आप अगर लोहे वाला तवा ले रहे हैं तो उसको पहले हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लें, और डायरेक्ट इसको हम इस तरीके से उल्टा इसको पलट के रख देंगे। जिस साइड से हमने फिलिंग लगाई है उस साइड से हम इसको रख देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ब्रेड वाली साइड को आप क्रिस्प कर लें, उसके बाद में आप इसको पलट के रखें, उसमें कोई इशू नहीं है। आप कैसे भी इसको सेक सकते हैं। और हमें क्या करना है कि इसको ना थोड़ा सा दबा दबा के, जैसे स्पैचुला से हमें इसको 2 मिनट इसी तरीके से हम इसको रहने देंगे। उसके बाद में हम स्पैचुला से इस तरीके से दबाते हुए इसको सेकेंगे। हमने जो मलाई ली थी तो वो मलाई क्या है, अपना घी जैसे धीरे धीरे रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगी। तो हमें इसमें कोई भी जैसे ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से सिक जाता है और चिपकता भी नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन आप लोहे वाले तवे पे बना रहे हैं तो फर्स्ट वाला जो हम बैच बनाते हैं उसमें ही हमें थोड़ा सा लगता है, बाकी सेकेंड वाली बैच जो है लोहे वाले तवे पर भी बहुत अच्छे से सिक जाती है। तो आप जैसे फर्स्ट वाली जो बैच बनाते हैं लोहे वाले तवे पे, तो आप वो थोड़ा सा पहले ऑयलिंग करके फिर बनाएं, तो दिक्कत उसमें भी नहीं आती है। और इसी तरीके से हम इसको प्रेस करते हुए सेक लेंगे, जो कि बहुत टेस्टी बन के ये तैयार होता है, और बिल्कुल झटपट बन जाता है। हमें इसमें ना बाहर के भी किसी सामान की ज़रूरत नहीं है, सब्जियाँ तो मोस्टली घर पर रहती हैं। और आप फ्रेंड्स देख रहे हैं, मैंने बैक से भी इसको अच्छे से गोल्डन होने तक इसको सेक लिया है, और ये अच्छे ना क्रिस्पी हो गए हैं। तो बैक से हम इनको जितना क्रिस्पी करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से हम अलटते पलटते हुए इनको
सेक लेंगे। और फ्रेंड्स मैं हाथ से कर रही हूँ, आप थोड़ा केयरफुली बिल्कुल स्पैचुला से करिएगा। और हमने इनको ना अच्छे से सेक लिया है, अब हम क्या करते हैं इनको प्लेट में निकाल लेंगे। और शेप आप कोई भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसके अंदर दे सकते हैं। अब मैंने इनको ट्रायंगल कट किया है और आप सॉस चटनी किसी भी चीज़ के साथ इनको सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और फ्रेंड्स आपको अगर मेरी रेसिपी ज़रा भी हेल्पफुल लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।